हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लाइट स्नैक्स, हल्दीराम स्टाइल डाइट मिक्सचर आता है ना, बिल्कुल उसी के टेस्ट का जैसा नमकीन, जिसे आप महीनों स्टोर करके खा सकते हैं। और खाने में बहुत लाइट होता है, बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी लगता है, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसके लिए मैंने ली है ये लैया, ये थाली में मैंने लैया ली है, और साथ ही मैंने ये पोहा लिया है। ये मैंने महीन वाला पोहा लिया है, एक इसमें का थोड़ा मोटा भी आता है, तो आप कोई भी ले लीजिए जो आपको अवेलेबल हो उस वक्त। और साथ में मैंने ये थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, और एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने चना और ये मूंगफली के दाने और कुछ करी के पत्ते। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा कर लीजिए। तो चलिए, ये कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करेंगे बस, मतलब कि हमारा जो भी है ना सामान वो थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हमें नहीं करना है इसको, लैया और ये पोहा को। और अब इसमें लैया डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे, 2 से 2.5 मिनट में मीडियम आँच पर भूनिएगा, भुन जाएगी अच्छे से। हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा इसको, मतलब भूनिएगा, वरना जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 2 से 2.5 मिनट में ये भुन जाएगी अच्छे से। जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगे ना, थोड़ा सा हल्का सा इस पर गोल्डन कलर चढ़ने लगे, तो बस समझ जाइए कि भुन गई है। इसे चलाते हुए हम भून लेंगे, और ये देखिए ये हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, इसे निकाल के साइड में रख लेते हैं, और बाकी चीज़ें भी भून लेते हैं। अब इसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और थोड़ा सा ऑयल डाला, और अब ये जो पोहा है ना इसको भी सेम इसी तरह हम कर लेंगे रोस्ट, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चला चला के। ये भी 2 से 2.5 मिनट में हो जाएगा, मीडियम आंच पे पकाइएगा। और इसका भी जब थोड़ा सा गोल्डन कलर आने लगे ना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगे, तो समझ जाइए हो गया। ये देखिए इस तरह से, ये आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से हो जाएगा। इसे भी हम निकाल लेते हैं, ये देखिए इसे निकाल लिया है मैंने, इसे रख देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे, और अब इसमें हम थोड़ा सा ये जो है ना चना, इसको भी ऐसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही सब भूनिएगा, उससे अच्छे से भुन जाएगा, और जैसे होता है ना कभी लगता है जैसे सीलापन है वो चला जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बाकी जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और क्वांटिटी आपको जो भी जितना लेना है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कि कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये हो गया था, इसे हम निकाल लेते हैं, और अब इसी में हम ये मूंगफली के दाने भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये भी हो गया है, बस क्वांटिटी में ये ध्यान रखिएगा कि लैया वगैरह जो है ना, लैया और ये पोहा, इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। और ये भी भून लिया है हमने, अब इसी सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे, और इसमें अब ये जो हमने ये रखे थे ना कॉर्नफ्लेक्स, इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको बस हमें फ्राई करना है थोड़ा सा, क्योंकि जब इसमें पड़ेगा तो फूल जाएगा थोड़ा सा। इसी तरह से जितना कॉर्नफ्लेक्स आप डालना चाहते हैं उतने क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा, और ये भुन जाएगा ना, तो देखिए अच्छे से हो जाएगा, क्रंचीपन आ जाएगा इसमें भुनने के बाद। इसी तरह से हम बाकी भी कर लेंगे। ये देखिए मैंने भून लिया सारे कॉर्नफ्लेक्स को, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के करी पत्ता डाल देंगे तड़के के लिए। अगर आपके पास है करी पत्ता तो आप डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो
इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। इसी में हम नमक ऐड कर देंगे। और ये खाने में बहुत लाइट होती है और वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और थोड़ी सी मिर्च ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें खड़ी लाल मिर्च होती है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब ये जो लइया भून के रखी थी ना हमने, इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही ये जो पोहा भुना था ना हमने, इसको भी ऐड कर देंगे इसी में। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें नहीं मिक्स हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, बाकी कोई बड़ा बर्तन है ना उसमें निकाल लीजिए। मैं भी अभी निकालूंगी इसको, बस मिक्स कर लूँ अच्छे से, ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें और थोड़ा सा भुन भी जाए। अब इसे ये बड़ी सी परात है ना, मैंने इसमें निकाल लूँगी मैं। इसमें मैंने निकाल लिया है। अब इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारे बचे थे ना, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। क्योंकि ये मूंगफली का दाना मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, जो भून के रखा था। साथ में चने भी ऐड कर लेंगे। और कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर रही हूँ मैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऑलरेडी उसमें है पड़ा हुआ, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका टेस्ट जो है ना इन्हेंस करने के लिए, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ काला नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऐड किया है मैंने। और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। और ये हमारी डाइट नमकीन रेडी है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कैसी बनी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।